नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिसको देखकर आप खुश ही नहीं, बहुत कुछ कैनोइंग स्पोर्ट्स के बारे में और भी अन्य स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो और यह प्रैक्टिस मध्य प्रदेश एकेडमी के कोच पीयूष कांति बरोई जी और देवेंद्र गुप्ता जी द्वारा कराई जा रही है। यह टेक्निक का वर्कआउट एकेडमी के कोचेस द्वारा कराया गया है और इस वीडियो में सारे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा नमूना पेश किया गया है कि किस तरीके से खिलाड़ी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर कैनोइंग स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को, कोई भी गेम का खिलाड़ी हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं मैं हमेशा बताता आ रहा हूं। तो दोस्तों, इन सब जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि यह जानकारी आप सभी को मिल सके और आप सभी खिलाड़ियों को पहुँचा सकें। तो दोस्तों, यह कैनोइंग स्पोर्ट्स C1 और K1 के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं, इसमें बॉडी, मतलब जो खिलाड़ी की जो बॉडी है, इसको पूरा हम यूज़ करने की ज़रूरत है। इस स्पोर्ट्स में हमारा एंट्री और एग्जिट का अहम रोल है। अगर हमारी एंट्री सही नहीं होगी तो हमारा पूरा जो बोट का बैलेंस है और जो बोट के चलने की प्रक्रिया है, वो ख़राब हो जाती है। तो सारे खिलाड़ियों को सबसे पहले एंट्री पर ध्यान देना होगा और उसके बाद एंट्री, उसके बाद बीच में जो आप पुलिंग करते हैं, वह आपके पुलिंग जो लगाते हो बॉडी की पावर के साथ पुलिंग करना है और एग्जिट, ये तीनों चीज़ अगर खिलाड़ी ध्यान रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बोट का रिदम अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था, एक खिलाड़ी कोई भी हो, जैसे कि आप इस वीडियो में खिलाड़ी को देख रहे हैं, अपना माइंड आपको सेट करना पड़ेगा कि मैं आखिर कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करके बाहर आना ही आपकी कामयाबी का रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस में आपको एक सेकंड एक कदम सोच समझकर चलना होगा। जैसे कि यह खिलाड़ी पैडलिंग करते हैं, तो हर पैडल में यह सोचना होगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे हो, और हमेशा अपनी टेक्निक को सुधारने की कोशिश करनी होगी। कैनोइंग स्पोर्ट्स में एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉन्सेंट्रेट सबसे पहले, और उसके बाद आपकी टेक्निक, और आपका जो प्रैक्टिस करने से पहले इस बॉडी को तैयार करने के लिए आपके अंदर एंड्योरेंस, स्पीड और स्टेमिना, इन सारी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, एक स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपने ये सारी चीज़ें हासिल करनी है। हासिल कहाँ से होंगी? जो आपके कोच हैं, आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, आप उनसे हर समय हर वक्त टेक्निक के बारे में पूछिए और बात करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह हमारे जो खिलाड़ी हैं, इनसे हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी यह तैयार हो चुके हैं और अभी तैयारी में लगे हुए हैं, जल्द ही हमारे देश को यह खुशियां लाकर देंगे, मेडल लाकर देंगे। दिन रात की हुई इन खिलाड़ियों की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, यह मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, जो खिलाड़ी होता है, उसको पल पल, हर वक्त, सुबह शाम अपना दिमाग उस खेल की तरफ लाना होता है कि आखिर मैं कर रहा हूँ, यह जो स्पोर्ट्स कर रहा हूँ उसमें मेरी क्या क्या कमियाँ हैं, उन कमियों के बारे में ध्यान देना होगा। अब कैनोइंग खिलाड़ी आप देख सकते हैं, यह जो खिलाड़ी हैं, इनकी एंट्री और एग्जिट देखिए। एंट्री में जो
आप बॉडी के साथ एंट्री करते हैं उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप एंट्री में बॉडी इस्तेमाल नहीं करते हो या फिर एग्ज़िट ठीक से नहीं करते हो तो आपकी बोट का बैलेंस और रिदम ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए आप बाहर शैडो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और कोई भी बैलेंस की या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एंट्री और एग्ज़िट और ऐसा कि शरीर ना थके उसके लिए क्या करना होगा मैं यह भी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कभी भी पैडल को जब आप पानी में डालते हो, एंट्री करते हो, तो हमेशा ट्राई करें अपना बॉडी से कैच लेने के लिए। आपका हिप का भी यूज़ करना होगा और पूरी बॉडी को रोटेशन करना होगा ताकि आपका पूरी बॉडी की ताकत लगे और आप जल्दी से ना थकें। अगर आप पैडल को हाथ से खींचेंगे या बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जल्दी थक सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी और बोट और पैडल, हमेशा ध्यान यहीं पर रखना होगा। एक खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, सिर्फ और सिर्फ गेम के बारे में ध्यान देना होगा। जब खिलाड़ी सुबह तैयार होकर ग्राउंड के लिए जाता है, सबसे पहले उस जाने के लिए एक प्लान दिमाग में आना चाहिए कि आखिर आज मैं क्या कुछ नया करूं या क्या कुछ सीखूं। ये नहीं कि आप ग्राउंड में गए और थोड़ा सा कुछ किया वापस आ गए। ऐसा करने से आपका स्पोर्ट्स डेवलप होना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, यह नहीं कि कैनोइंग ही स्पोर्ट्स है, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप बिना तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि सक्सेस होने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ध्यान और अपना मन और पूरा समय उस खेल के लिए देना होगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सको और डे बाय डे प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट ला सको। हर दिन प्रैक्टिस, हर समय एक एक वर्कआउट आप लोगों के लिए अहम होता है। कभी भी ये ना सोचें कि आज रेस्ट कर लूं या कल। आपको अगर गेम में आ गए तो बहुत मेहनत के साथ अपने आप को इस क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं एक बात और बता रहा हूं आपको, यह चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें सभी लोगों के पास में, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के पास जल्दी ही जल्दी लेकर आऊँगा। और खिलाड़ियों को क्या क्या डाइट की ज़रूरत होती है और भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वह भी मैं जल्दी ही और वीडियो में डालता रहूँगा। और खिलाड़ी, अगर कुछ खिलाड़ियों को कैनोइंग स्पोर्ट्स करना है, कुछ संस्थाओं की ज़रूरत है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, अगर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और कैनोइंग स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो कैनोइंग स्पोर्ट्स करने के लिए किस क्षेत्र में, किस राज्य में उनको ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश करूँगा अच्छे क्वालिफाइड कोच और अच्छे क्लब का सुझाव मैं उन खिलाड़ियों को ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, आप बेफिक्र होकर उसमें लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के, कैनोइंग स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों तक भेजें ताकि उनको टेक्निक की जानकारी मिल सके। थैंक यू।